मैंने खुद देखा है। बीनी ने ना जोड़ मजबूत लगाए। अरे अगले 2-3 साल तक कुछ ना होगा। हाँ पर भाभो संदेह इतना ऊपर चढ़ी कैसे? छोरा थारी लुगाई है ना अलग मिट्टी की बनी है। रेखाई खुदवानी हो, पहाड़ की चोटी पर चढ़ना हो, बदमाशों ने पकड़ना हो या फिर बैल के सिंगड़े को पकड़कर उससे भिड़ना हो, इन सब कामों में ना तो ये मोटियारों से भी आगे है। छोरा इतनी परेशानी में तो मारा ही दिमाग को नहीं काम करे, पर पता नहीं इसका दिमाग कैसे काम कर गया और जाकर जोड़ बैठा दिया इसने। हाँ बेटा सचमुच कमाल कर दिखाया हमारी बीनड़ी ने। बीनड़ी देख ला अया धीरे धीरे घुमा। हाँ भाबो कितनी अनोखी सी बात है ना कि गेहूं छानने जैसा काम इनका हाथ पकड़ के सिखाना पड़ रहा है और वो भी ढंग से नहीं हो रहा है इनसे। पर जहां पे बहादुरी और दिमाग लड़ाने की बात हो वहां पे ये सबसे आगे रहती है। भाबो भगवान ने हर इंसान को अलग अलग गुण दिए हैं। अगर किसी इंसान को उसके गुणों के हिसाब से उसे मौका दिया जाए कुछ करने का तो वो बहुत कुछ बड़ा कर सकता है। जैसे बाबू अगर किसी को तैरना आता है तो वो तैर के भले ही सागर पार कर सकता है पर ये जरूरी ना है कि वो पहाड़ की चोटी पार कर ले, है ना बाबू? क्या तुझे नहीं लगता कि तुझे संध्या के गुण देखते हुए उसकी पढ़ाई के बारे में मतलब अपने फैसले पे एक बार फिर से गौर करना चाहिए? पिलंबर ने टाके ठीक करने के लिए कितने पैसे मांगे थे? वो उसने 1,000 रुपए मांगे थे। बुला लाओ उसे। बाबू वो तो पिक्चर संतोष क्या कर रही है? मैं थारी बेलनी की तरह पढ़ी लिखी ना हूं छोरा, पर धर्म कर्म का काम सब जानो। वेदों में लिखा है कि जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंका बाजे। वैद का काम वैद करे और राजा का काम राजा। जे अपना काम ना करे है ना तो समाज और घर की नींव हिल जावे।
संतोष क्या कर रही है? संतोष पानी बिना पानी के झीलूंगी। पिलंबर ने 1000 रुपया देना पड़ा बिना, तो वो भी दे दूंगी। पर जिस बात की आड़ में तो संध्या पीने के सपने परोस रहा था ना, हमारी घर की रीत ने तोड़ने वाले उस सपने को मैं कदा भी पूरा नहीं होने दूंगी। भले ही थारी बीनड़ी ने गेहूं चुगना ना आवे, कोई बात नहीं। भले ही मारी बरसों की बनाई हुई मेहनत के सूटर को इसने पल भर में मिनटों में उजाड़ दिया, बर्दाश्त कर लूंगी। भले ही थारी बीनड़ी ने टाबरों का पोथड़ा सिलने को कहा और इसने धोती सी दिया, सह ले थारी बीनड़ी ने और भी कुछ बिगाड़ कर दिया, वो सब सह लूंगी मैं। पर छोरा छोरा, तू जिस बात की जिद पकड़ कर बैठा है ना, वो तो मैं मरा ही को नहीं होने दूं। एक सब भी बोला ना छोरा, आखिरी बार सुन ले, कान दिमाग और आंख तीनों खोल कर सुन ले। आइंदा थारी लुगाई की पढ़ाई की बात जुबान पर कदे भी मत लाना। तो ये सोच रहा होगा ना छोरा कि इस बार थारी लुगाई का दाखला ना हुआ ना, तो अगले साल करवा देगा। लेकिन याद रख छोरा, जिस दिन तूने इसका दाखला करवा दिया ना, उस दिन थारे और हमारे रिश्ते में दरार पड़ जाएगी। मजा को नहीं आया, थोड़ी चिंगारी फिर दिखाने की जरूरत है। चल शुरू हो जा। बाबू, टैंकी में पानी बिल्कुल ना बचा, सब गली में बह गया। बिना पानी तो ना कपड़े, ना बर्तन, ना खाना, कुछ ना हो सकेगा। मैं एक काम करती हूँ, बाहर जाके गली के हैंडपंप से पानी ले आती हूँ। हाँ हाँ, यही ठीक रहेगा। तो फिर मैं जाती हूँ। बाबू अब मारे को तो पानी लाने ना देंगी, तो फिर कौन? जिठानी जी, तैयार हो जाइए कंधे तोड़वाने के लिए। बाबू रोको रोको रोको, मने नहीं तो मैं मरी। बाबू रोको, अरे रो क्यों नहीं रही बाबू? बाबू मैं फिर जा रही हूँ। तो जाऊं
तो रो भी नहीं रही है। बाबू देखो ना, मैं भी कितनी मूर्ख हूँ, पेट में टावर है और मैं चली पानी भरने। मत मारे गई है, नहीं नहीं। जेठानी जी, आपकी वजह से सब कुछ हुआ है, हम सब क्यों भुगते, आप ही पानी भर दीजिए ना। रुक बेने, पिघल गई, ये इतनी जल्दी पिघल गई बाबू? बाल्टियां नीचे रख दे। कमर में ले बीनी, पकड़। काम करे तो कम से कम ठीक से करया कर। पांच छह हंडे भर कर ले आए, अभी का काम जाएगा। जी बाप। सूरज, शाम के लिए पानी की टैंकर बुला लिए। अब जा। अभी मैं भी आती हूँ। चमची छवि, तने न्योता देना पड़ेगा के जाकर मदद कर। बाबू मैं कैसे? क्यों, थारी कमर के कांच की बनी है जो बोझ उठाने से टूट जाएगी, और तू कौन से राजस्थान में भटकते हुए ऊंट की तरह है जो तने पानी की जरूरत ना पड़े। चल जा। और बेनिनी तू? जी बाबू। तू तो अपनी जेठानी की बहुत नकल करे है ना? हाँ? जेठानी की तरह तने भी सिनेमा देखना जाना था ना? अब क्या हो? तेरे पैरों में घुंघरू बंध गए हैं के? जो अटक गई अटे। बाबू, मगर मैं तो पेट से हूँ ना। जानू। खाली बाल्टी तो उठाकर दे सके ना बटे? खाली बाल्टियां तो दे ही सकती हूँ। चल। बस आप रुकिए, मैं कर देती हूँ। नहीं नहीं चतरी, मैं कर लूंगी।
अरे भाभी पानी बाहर गिर रहा है। मुझे क्यों बुलाया पानी भरवाने के लिए? ये काम तो बाकी रह गया, पानी भरवा के। भाभी पानी भर गया। भर गया, भर गया पानी। कोई बोलता है पढ़ाई करो, कोई बोलता है पानी भरो। चतुरी मैं ले जाऊंगी, बस इसे पकड़ने में मदद कर दो। अरे अरे आराम से जेठानी जी, आराम से। अठिन्या, देख थारी बीनी की होशियारी, एक ही बार में हंडा उठाना सीख। चल आ, आ छोरा। देख छोरा, देख, गांव में हम देवरानी जेठानी भी ऐसी पानी भरकर लाया करती थी। बड़ी मेहनत लगे है इसमें, बड़ी ताकत लगे है हंडा उठाने में। देख अपनी आंखों से थारी लुगाई का ये रूप और समझ से एक गृहिणी की ताकत खर्च हो गए है घर चलाने में, थाना चलाने में नहीं। सुबह उठकर घाटी पीसना, आंगन में झाड़ू लगाना, फटाफट सबके लिए स्वादिष्ट रसोई बनाना, बच्चों को संभालना, यही फर्ज हो एक गृहिणी का। और उसे भी यही फर्ज निभाना होगा। परिवार की बहू बनकर आई है ना इस घर में, तो इसे इसी रूप में जीना होगा। ये बात अच्छी तरीके से तू भी समझ ले और इसे भी समझा दे। आप जो सोच रहे वो कभी नहीं हो पाएगा। सुंदर जी, नाइट कॉलेज में आपका दाखिला हो चुका है, आपकी क्लास, आपका सपना बस कुछ ही कदम दूर है आपसे। चाहिए ना आप कदम बढ़ाइए अपने सपने की ओर। नहीं सूरज जी, ये कुछ कदम की दूरी संध्या कोठारी से संध्या राधी की दूरी है। ये दूरी शायद कभी तय नहीं हो पाएगी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक।
स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।